हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज लेकर आए हम एक और टॉक टेस्ट। आज का टॉक टेस्ट रहने वाला है गाइस हमारी i10 के साथ। तो ये i10 अपने शुभम भाई की रहने वाली है। और एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ पीछे कि इसमें CNG भी लगी हुई है, तो हम इसको CNG में भी टेस्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, और पेट्रोल में भी टेस्ट इसको करेंगे। गाड़ी की बात करें गाइस, तो गाड़ी हमारी 2011 मॉडल है, 1.2 कापा पेट्रोल इंजन के साथ। भाई क्या पावर है गाड़ी में? भाई 112 लिखी हुई होती है और 1,20,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। तो आप समझ सकते हो गाइस, गाड़ी की भी हालत थोड़ी अभी खराब ही है, बट ट्राई करते हैं क्योंकि i10 के हिसाब से इंजन काफ़ी पावरफुल लगा हुआ है इसमें, तो हमें उम्मीद तो है चढ़ जाएगी। और इसमें हम अभी 3 लोग रहने वाले हैं, अतीश भाई भी हमारे साथ। क्या हाल है भाई? हाय गाइस। तो हम 3 में ट्राई करेंगे पहले, अगर 3 में भी नहीं हुआ फिर हम एक बंदा कम करके और वैसे करके हम राउंड्स देखने वाले हैं। पेट्रोल में भी देखेंगे और पेट्रोल में भी। तो अभी पहला राउंड हम कर रहे हैं CNG पे 3 बंदों के साथ। तो अब देखो गाइस, अरे बंद हो गई, एक बार और ट्राई करते हैं। तो ये स्लोप भी बहुत ज्यादा है, कैमरे में पता नहीं कितना। 3 में तो नहीं चलेगा। हाँ रुक, देखना मैं रेस क्लच छोड़ रहा हूँ, क्लच छोड़ते ही रुक रही है। हाँ हाफ क्लच छोड़ा है अभी, हाफ क्लच है, अब फुल छोड़ दिया मैंने। और तो शुभम इसमें हमने रेस नहीं दी है ना? रेस नहीं दी स्टार्टिंग में, बस मैंने हाफ क्लच छोड़ा था ताकि गाड़ी बंद ना हो। बट आप देख रहे हो चढ़ गई, फुल छोड़ा तो चढ़ तो गई और ये CNG में चढ़ी है भाई। CNG 3 लोगों में चढ़ गई। और स्लोप मैंने आपको भी दिखाया था, बाहर से भी आप चेक करो, बहुत ज्यादा स्लोप है ये। शुभम फिर क्या सेल्टोस भेज दे, वो नहीं चढ़ी। अरे उसने वो वाला था ना, ऑटोमेटिक में तो करती है, पर इससे मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर इसने भाई चढ़ गई है। क्या और वो भी मोड़ पे हमने शुरू करा है, मोड़ पे वैसे भी दिक्कत होती है गाड़ी को चढ़ने में। तो अभी क्या करें, तो अब पेट्रोल पे करके देखते हैं और कितना फर्क आता है इसमें, थोड़ी इजी होता है कि नहीं गाड़ी को चढ़ने में, वो चेक करेंगे अब पेट्रोल पे। पेट्रोल पे तो गाड़ी आ गई है पेट्रोल पे, पहला गियर डाल दिया है, यहाँ तक हाफ क्लच दूंगा जब तक गाड़ी मुड़ती है। हाँ। फिर छोड़ूंगा। ठीक है, रेस नहीं है कोई। और गाइस गाड़ी वाइब्रेट हो रही है बहुत बुरी तरह, फुल क्लच छोड़ दिया और अब पूरा क्लच हमने छोड़ दिया है। और आप देखो, और काफी अच्छी स्पीड में ये अपने आप क्रॉल करती जा रही है ऊपर। होंडा सिटी से बेटर चल रही है। हाँ, होंडा काफी ज्यादा कांप गई थी, बट ये तो सही चढ़ गई। और स्लोप भी आई थिंक सेम सी है, कम है ये वाली। हाँ। स्लोप यार मेरे को लग तो सेम सी रही है, या फिर जो हमारी पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा जो मॉल की पार्किंग वाली थी, तो ये काइंड ऑफ वैसी ही स्लोप है। तो गाइस अभी एक खुराफाती आइडिया है, तो हमने देखा कि i10 चढ़ गई थी, तो अब हम सेम ही स्लोप पर i20 लेकर आए हैं और इसमें चेक करेंगे ये चढ़ पाएगी या नहीं। तो i20 अपनी आपको पता है अतीश भाई की है भाई, ये भी रुक जा भाई। ये भी हाँ 10 साल हो चुके हैं इसको, चली कम है बट विंटेज कलेक्शन लाए आप लोगों के लिए। तो बहुत ही मजेदार होगा कि, और इंजन भी दोनों में सेम ही आता है, मतलब पावर स्पेक्स वगैरह सब सेम ही रहेंगे। तो अब चल मैं शुभम वहाँ i20 में बैठे, और 3 ही लोग रहने वाले हैं हमें, और ये प्योर पेट्रोल गाड़ी है, इसमें CNG नहीं है। हाँ वही i10 चढ़ गई थी भाई, चढ़ जाएगी। इज्जत का सवाल है। चलो भाई, तो भाई तेरे को पता है ना कैसे करना है, रेस बिल्कुल नहीं देनी है। ठीक है, रेस को टच भी नहीं करना है। okay. और सिर्फ क्लच छोड़ता जा और बढ़ा आगे। तो गाइस स्टार्ट, तो क्लच में आवाज आ रही है। ये जो मोड है ना स्पेसिफिकली, ये मोड बहुत ही ज्यादा स्टीप है, उसके बाद थोड़ी सी स्लोप सही हो जाती है। चल भाई सेकंड राउंड।
करते हैं सेकंड राउंड। पहला गियर डाल दिया है और क्लच छोड़ धीरे धीरे। एक बार और ट्राई करते हैं। छोड़ 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 छोड़। हाँ छोड़। ओ गाइस बहुत ज्यादा आवाज आ रही है और चढ़ गई इस बार ये। और देख लेते हैं, अभी तक रेस नहीं दी है हमने। रुक भाई रुक। अरे ये मैं दिखाता हूँ गाइस अभी हुआ क्या है। तो यहाँ पर आप देखो, ये हल्का सा और उठा हुआ है पार्ट, जो कि लास्ट हमारा होता है एकदम, और इस पे गाड़ी दम तोड़ गई। तो गाइस अब अगले राउंड में इन्होंने मुझे तो बाहर निकाल दिया गाड़ी से कि तीन लोगों में चढ़ने की, तो अब दो में देखते हैं क्या होता है। तो ऐसी स्लोप है, डिसेंट स्लोप है, तो कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो अब देखते हैं। अरे ड्राइवर ही बेकार है मैं कह रहा हूँ। छोड़ भाई। अरे यार, तो भाई ड्राइवर बदल लिया अब हमने। भाई चढ़ा दो भाई 20 को। चढ़ा देंगे देख। चलो भाई नेक्स्ट राउंड। पहला गियर डाल दिए। चल आवाज सुनो एक बार गाड़ी की, लग रहा है चढ़ जाएगी इस बार। वही पॉइंट आ गया है और इस बार तो चढ़ गई। चढ़ गई। अब ये मुझे उतार के हुआ है या ड्राइवर चेंज करके हुआ है ये भी कंफर्म करना पड़ेगा। तो अब मैं बैठता हूँ और फिर देखते हैं कि ड्राइवर की गलती थी या गाड़ी की गलती है। ड्राइवर की थी भाई, एक बारी में चढ़ा दी भाई। क्लच का बहुत खेल है, क्लच को मॉड्यूलेट करना पड़ता है जैसी गाड़ी बंद हो रही हो, तो बहुत माइन्यूट चेंजेस में बट चढ़ा दी। I10 और I20 दोनों चढ़ गई अब, पर I20 ने ज्यादा रुलाया। पर नहीं, अभी वो तीन में चढ़ गई थी I10। हाँ, तो इसको तीन में दोबारा ट्राई करते हैं तो अंदर भाई पूरा बोल। तीन लोग और CNG में चढ़ी थी। तीन लोग और CNG में, इसमें CNG तो है नहीं पर तीन लोग हम करते हैं। चलो मैं अंदर बैठता हूँ और फिर एक राउंड करते हैं हम तीन लोग साथ में बैठ के। तो गाइस अब शुरू करते हैं अगला राउंड, और इस राउंड में अब मैं भी हूँ गाड़ी के अंदर, तो हम तीन लोग हो गए इन टोटल। तो तब मैं भाई चला रहे हैं, अब देखते हैं कि अब चढ़ती है ये नहीं। लास्ट टाइम तीनों में ही रुकी थी ऊपर जाके। तो लेट्स सी। ताला डाल दिया भाई। तो यही नहीं चढ़ रही क्या? रुको, नहीं चढ़ी। वही गरम। चल हाफ क्लच छोड़ा है। नहीं चढ़ रही, तीन में तो नहीं जा रही, नहीं जा रही है। तो भाई क्या रिजल्ट रहा फिर I10 वर्सेस I20 का? क्लियर विनर कौन है भाई? अभी तो देखो, देखने से I10 ही विनर लग रही है, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि सेम ही इंजन आ रहा है दोनों में, पावर सेम है, और I10 इससे काफी हल्की गाड़ी है, तो ये फर्क हो सकता है कि इसलिए वो चढ़ गई हो और ये ना चढ़ पा रही हो। दो में तो देखा हमने चढ़ गई, तो वेट का कहीं ना कहीं फैक्टर आ रहा है। अब भाई इतना मोटा भी नहीं हूँ मैं गाड़ी बैठा दूं। भाई बिठाई थी तूने। अबे चल। पर भाई गाइस यहाँ पे क्लियर विनर जो है वो I10 ही रही है। तो ये बॉडी भी थोड़ी I20 की बड़ी है ना, थोड़ा वेट का सीन है, तो I10 इज द क्लियर विनर। हाँ भाई, I20 के ओनर साहब बिल्कुल भाई, बिल्कुल बेच नहीं जा रहा भाई, बेच के I10 ही लूंगा मैं। तो गाइस किसी को I20 खरीदनी हो तो भाई कांटेक्ट कर सकते हैं जैन साहब को। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोज लेके आएंगे, इन्फॉर्मेशन वाली भी, और ऐसी फनी वीडियोज भी लाते रहेंगे।
तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।